हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड एंड श्री प्रकाश सिंह चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग विच कट पैटर्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अ टाइप ऑफ प्लास्टिक पैटर्न यूज्ड इन ड्रिफ्टिंग। अ विच कट कंसिस्ट ऑफ टू और फोर पेयर्स ऑफ होल विच ऑलमोस्ट ड्रिल हॉरिजेंटली। These pair of holes are meet closely together at the back side of cut so that the wedge shape of section of rock face will be removed by the blasting। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी ये बोला गया है कि वेज शेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, एक ऐसा पैटर्न तैयार करते हैं जो वेज शेप का दिखता हो और जिसमें हम लोग एक्सप्लोजिव चार्ज करते हैं और ब्लास्टिंग करते हैं। तो जो ब्लास्टिंग का स्टार्टिंग का जो शेप फॉर्म होता है वो भी वेज शेप का रहता है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ वेज शेप क्या होता है, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसके बारे में आगे क्या क्या बोल सकते हैं वेज शेप के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। इन दिस वेज शेप कट टू और फोर पेयर ऑफ होल्स आर ड्रिल टू फॉर्म वेज एट एन एंगल नियरली टू 60 डिग्री टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो जो इसका एपेक्स है वहाँ पर एंगल नियरली टू 60 डिग्री फॉर्म होता है। तो इसमें देखेंगे कि हम लोग का ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले, अच्छा इसको बताने के पहले अपन बनाते हैं, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर हम लोग का स्टार्टा हार्ड रहता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो मान लीजिए। अगर स्टार्टा हार्ड नहीं रहता है तो हम लोग नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मेटल माइंस में ये यूज़ होता है, यहाँ पर एक होल मारते हैं, इनिशियल में इसको ब्लास्ट करते हैं, तभी हम लोग का वेज कट पैटर्न बनता है, क्योंकि वहाँ का स्टार्टा बहुत हार्ड रहता है। जो कि हम लोग बात करेंगे कोल में, तो कोल में कुछ इस टाइप का रखा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ का स्टार्टा वीक रहता है। तो नॉर्मली यहाँ से वेज शेप से हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो हम लोग का माल या फिर जो मटेरियल है कोल है वो इजीली गिरता है, ठीक है। ये है टू टू, ये है थ्री, ये है थ्री, और यहाँ पर ये फोर हो जाएगा, ठीक है। ये फोर हो जाएगा। तो अब इसको कंपेयर करिए इससे, देखिए। तो हम लोग जब सबसे पहला ब्लास्टिंग करेंगे तो ये ज़ीरो वाला ब्लास्ट होगा, ठीक है। ये ज़ीरो का ब्लास्ट होता है, देखिए। ये तो फ्रंट व्यू है, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये वेज शेप में हम लोग का वेज शेप में मटेरियल एक्सकवेट होगा, तो हम लोग का वेज शेप में सॉलिड बच जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का ज़ीरो ब्लास्ट हो गया। ज़ीरो के बाद जब वन ब्लास्ट होगा तो ये इतना ब्लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग का टू ब्लास्ट होगा, ये हम लोग का टू ब्लास्ट हुआ सेकेंड नंबर पर जो डिले डेटोनेटर है। उसके बाद देखिए थ्री ब्लास्ट होगा, तो थ्री में ये यहाँ तक आ जाएगा, ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फोर ब्लास्ट होगा, फोर ब्लास्ट होने से ये एक्सकवेट हो जाएगा, ये इतना, ठीक है। उसके बाद जब फाइव ब्लास्ट होगा तो इधर का मटेरियल ये निकल आएगा, यहाँ का मटेरियल निकल आएगा, ये यहाँ का मटेरियल निकल आएगा। और उसके बाद जब हम लोग का लास्ट में सिक्स ब्लास्ट होगा तो ये इधर का मटेरियल एक्सकवेट होगा, ये इधर का और ये इधर का। तो इस टाइप से हम लोग का डिले डेटोनेटर में ज़ीरो, फिर उसके बाद डिले टाइम वन, वन हुआ तो फिर फ्री स्पेस मिला टू के लिए, फिर टू ब्लास्ट हुआ, थ्री ब्लास्ट हुआ। तो कुछ इस टाइप में हम लोग का फ्री स्पेस फॉर्म होता है और हम लोग का इजीली
फ्रेगमेंटेशन अच्छा होता है और इजीली ब्लास्टिंग होती है। ओवरऑल ये समझ में आता है कि जब हम लोग वेज पैटर्न में ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग किए, तो जो इनिशियल में हम लोग का जो भी मटेरियल ब्लास्ट हुआ वो तो एक्सकवेट हो गया, लेकिन जो स्पेस छोड़ा वो वेज शेप का था। जो नेक्स्ट ड्रिल होल था उसमें जो डिले डेटोनेटर के थ्रू हम लोग ब्लास्ट करते उसके लिए फ्री स्पेस फॉर्म हुआ। तो हम लोग देखे ऐसे ऐसे हम लोगों का फ्री स्पेस फॉर्म हुआ। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनिशियल ब्लास्टिंग में वेज शेप का रॉक फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हम लोग डिले डेटोनेटर इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टिंग के लिए। जो एपेक्स का एंगल रहता है वो नियरली 60 डिग्री रहता है, और जो हम लोग का वेज कट पैटर्न है ये हम लोग का ज़्यादातर कोल माइंस में यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं मेटल माइन में ट्रेनिंग किया हूँ, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हार्ड मटेरियल जहाँ स्ट्राटा हार्ड हो जैसे मेटल, और जहाँ स्ट्राटा वीक हो वहाँ दोनों जगह इस्तेमाल होता है। बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ कट यूज़ फॉर लार्ज साइज ऑफ ड्रिफ्ट। जब ड्रिफ्ट का साइज लार्ज रहता है तो भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।